हेलो एनिमल लवर्स, आज हम द बिजर्क ऑफ ग्लटनी के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। इससे होगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रखा हूँ। और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट फेथ थे, वो माइम से कह रहा होता है तुम्हें इतनी भूख क्यों लग रही है, लेकिन जो माइम था वो कह रहा होता है क्योंकि जो मेरी स्किल एंगर है उसकी वजह से। तभी हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट वो कह रहा होता है इतने खाने के बाद भी तुम अभी भी ग्रो नहीं हुए। ये सुनने के बाद जो माइम था गुस्से में आ जाता, जिसकी वजह से जो उनकी बैलगाड़ी थी वो वहीं पर रुक जाती है। तभी हम देख पाते जो माइम थे गुस्से करके जो पास के विलेज थे वहाँ पे चली गई होती है। आज हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको ढूंढने के लिए उस गांव में आ चुका होता है। वो जैसे ही उस गांव में आता है वो देख पाता है एक अंकल को जो अपनी स्वॉर्ड को शार्प कर रहे होते हैं। तभी वो उस अंकल से पूछते हैं यहाँ के जो विलेज चीफ है वो कहाँ पे मिलेंगे। तभी हमें पता चलता है जिस आदमी से हमारा प्रोटैगनिस्ट बातें कर रहा होता है वही विलेज का चीफ है, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलता है। तभी हम देख पाते जो आदमी था हमारे प्रोटैगनिस्ट को लड़ने के लिए चुनौती देता है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट था वो सोच रहे होते हैं क्या आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो अंकल था वो बहुत ही अट जाता है अपनी बातों पे और कहता है हाँ मैं तुमसे ही लड़ना चाहता हूँ। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट दूसरे सीन में देख पाते हैं वो तैयार हो चुका होता है अपनी स्वॉर्ड को निकाल के। तभी वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन जो विलेज का चीफ था बहुत ही ताकतवर होता है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को हरा देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी हार को मान लेता है। तभी जो विलेज का चीफ था हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे जो स्वॉर्ड लेसन है और बाकी के टेक्निक्स है उनके लेसन तुम मुझसे ले सकते हो। तभी हम देख पाते जो अंकल था वस्त्रा होता कहता है जो तुम्हारे अप्रेजल स्किल है वो अभी भी बहुत ही बेकार है, अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग लोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से तुम उनको डेवलप कर पाओगे। तभी हम देख पाते हमारे प्रोटैगनिस्ट उस बात को मान जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है जो उसका नाम है फ्रेड ग्राफाइट है और कहता है मैं आपसे अब ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो विलेज का चीफ था वो अपना नाम बताता है एरोन बार बातोस। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं वहीं पे जो माइम है वो आ जाती है, उसको देखने के बाद जो विलेज का चीफ था वो कह रहा होता है तुम तो बहुत एक पावरफुल वॉरियर लगते हो। तभी हम देख पाते हैं जो फेथ है वो माइम से कह रहा होता है जो हमको इस विलेज के चीफ के घर में रहना होगा इस विलेज में कुछ दिनों तक। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं अगले सुबह जो विलेज का चीफ था हमारे प्रोटैगनिस्ट को ट्रेनिंग के लिए लेके गया होता है और विलेज का चीफ उससे कह रहा होता है आज मैं तुमको हैंड टू हैंड फाइट सिखाऊंगा। हम देख पाते हैं वो दोनों अपनी फाइट चालू रखते हैं, लेकिन फाइट के वक्त जो हमारे प्रोटैगनिस्ट फेथ का जो ग्लटनी स्किल है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी आँखें हैं वो रेड हो जाती है। ये जो विलेज का चीफ था एरोन वो देखता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं और उससे फाइट करना चालू रखता है। हम देख पाते हैं शाम हो चुकी होती है और वो दोनों अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने घर में जाते हैं। घर जैसे ही वो जाते हैं वो देख पाते हैं जो माइम था उसने सारा खाना खा लिया होता, जिसकी वजह से जो एरोन था वो दूसरे के घर में एक जाके अपना खाना लेने के लिए गया होता है। तभी हम देख पाते हैं जिस वक्त एरोन गया होता है हमारा प्रोटैगनिस्ट उस वक्त उसके घर में एरोन के जो एरोन के फैमिली के पिक्चर है वो देखता है और कहता है ये ज़रूर विलेज चीफ का जो एरोन है उसका परिवार होगा। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जब माइम सो रहा था खाना खा के तब हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारा इंक उसके मुंह पे लगा दिया होता है। ये जब माइम था वो देख पाता है अपनी नींद से उठने के बाद मिरर में। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर से अगले ही दिन जो एरोन था उसे ट्रेनिंग ले रहा होता है, इस वक्त वो स्वॉट की ट्रेनिंग ले रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं हम जो एरोन था वो कह रहा होता है तुम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हो अपने पावर को कंट्रोल करना। तभी हम देख पाते उसके पास माइम आता है और उसके चेहरे पे इंक था वो लगा देता है और कहता है ये मेरा रिवेंज है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं ये रात के समय वो सभी तीनों लोग अपना खाना खा रहे होते हैं और जो विलेज चीफ एरोन था उन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए कह रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं एरोन खिड़की की तरफ जो कैसल था
उस वहाँ पे देखने लगता है। जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है कि उस कैसल में क्या कुछ है। तभी हम देख पाते जो एरोन था वो कह रहा होता है हाँ एक वक्त था जो कैसल मेरा था लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि जो उस कैसल पे अभी भी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो लिच किंग है उसने कब्जा करके रखा है और उसने ही मेरे फैमिली को मारा था जब मैं इस विलेज में नहीं था। जब मैं ड्यूटी कर रहा था तब उसने एक अचानक से हमला कर दिया और जो मेरा बेटा था उस लिच किंग से लड़ा था लेकिन वो हार गया था, जिसकी वजह से जो उसका सोल है अभी भी उस लिच किंग के पास है और जो लिच किंग है वो अभी भी उस कैसल पे है और मेरा जो टारगेट है वो लिच किंग है, उसे ख़त्म करना और मेरी फैमिली को आज़ाद करना। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो वहाँ पे उठ जाता है क्योंकि जो स्टार्वेशन स्किल है फिर से एक्टिवेट हो चुका होता है। तभी हम देख पाते हैं जो एरोन था प्रोटैगनिस्ट था उस लिच किंग को ख़त्म करने के लिए कैसल में जाने वाले होते हैं, लेकिन जो माइंड था वो कह रहा होता है तुम लोग जाओ मैं इस विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ जाते, लेकिन मैं इसके बदले 50 गोल्ड कॉइन लूंगा, ठीक है ना। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट और जो एरोन था उस कैसल में आ चुके होते हैं और जो वो दोनों जैसे ही आते हैं जो स्केलेटन नाइट थे वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं और एरोन के ऊपर, लेकिन उन सभी स्केलेटन नाइट ख़त्म करने के बाद जब हमारा प्रोटैगनिस्ट एरोन जैसे ही कैसल के अंदर जाता है वो देख पाता है जो कैसल है बहुत ही अंदर से खूबसूरत होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं और उन्हीं लोगों में से जो एरोन के फैमिली थे वो भी आते हैं और कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई डैड, जो एरोन का बेटा था वो कह रहा होता है। लेकिन जो एरोन था उन दोनों को देख के कह रहा होते तुम लोग जिंदा हो मुझे देख के खुशी हुई, लेकिन हम देख पाते हैं जो एरोन का बेटा था स्वॉर्ड लेके एरोन के ऊपर हमला कर देता है, कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है तुमने उस वक्त हमको छोड़ दिया जिसकी वजह से हम मर गए और यहाँ पर ट्रैप हो गए। तभी हम देख पाते हैं जो एरोन था माफी मांगने लगता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है ये जब असल में एक इल्यूजन स्किल है जो लिच किंग ने क्रिएट किया होता है, जो उसका स्वॉर्ड था कह रहा होता है अगर मैं अपनी स्किल को इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पर जितने भी सोल कैद है वो कभी भी वापस से जिंदा नहीं हो सकते क्योंकि जो ग्लटनी स्किल उनको खा लेगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बात से अपना स्किल एक्टिवेट नहीं करता और एरोन से कहता है मैं लिच किंग को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ और जो एरोन है वो कह रहा होता है मैं अपनी फैमिली को हैंडल करता हूँ यहाँ पे। तभी हम देख पाए दूसरे सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट जो लिच किंग था उसे ख़त्म करने के लिए चला गया होता है, उसे मिल भी जाता है लिच किंग। हम देख पाते हैं जो लिच किंग है बहुत ही पावरफुल होता है लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमला करने के बाद भी जो लिच किंग था वो जिंदा हुआ होता है, इतना ही पावरफुल है। तभी हम देख पाते हैं जो लिच किंग था अपनी पावर की मदद से जो रिजरेक्ट करते हैं डेथ को, तभी जो उसी वक्त जो एरोन था उसको बचाने के लिए आ जाता है और अपना जो होली नाइट स्किल था उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो लिच किंग था बहुत ही दूर जाके गिरता है लेकिन वो मरता नहीं है। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने ग्लटनी स्किल के जो स्वॉर्ड था उसे रखता है और एक दूसरा स्वॉर्ड लेता है एरोन से और कहता है मैं अपना होली नाइट स्किल को एक्टिवेट करता हूँ। तभी हम देख पाते हैं वो दोनों अपने दोनों पावरफुल होली नाइट स्किल को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से जो लिच किंग था वो ख़त्म होता है, जिसकी वजह से जितने भी उसके अंडर में सोल बंद हुए थे कैद थे उन सभी सोल आज़ाद हो जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं हम असल में जो एरोन है अपने फैमिली के सोल से मिलता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है। हम देख पाते हैं जो इसके बीवी बच्चे थे उसे कह रहे होते हैं आपको हमने कब का माफ़ कर दिया होता है। इस बात सुनने के बाद जो एरोन था बहुत इमोशनल हो जाता है। हम देख पाते हैं जो एरोन है वो उन दोनों को फिर से आखिरी अलविदा कहता है, लेकिन हम देख पाते हैं जो लिच किंग था वो मारा नहीं होता पूरी तरीके से, वो फिर से हमला कर देता है लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको अपनी एरो की मदद से मार देता है और कहता है मैं तुमको इस मोमेंट ख़त्म करने नहीं दूंगा। हम देख पाते हैं जो लिच किंग है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्लटनी स्किल की मदद से उसका जो स्किल है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं वो दोनों उस कैसल से निकल के आ जाते हैं और देख पाते हैं जो लिच किंग के जितने भी सोल्जर थे वो भी जिंदा होते हैं, इसी वजह से वो सभी लोग उन सोल्जर को ख़त्म करने के लिए चले गए होते और कह रहे होते अपने आप से चलो हम इन बाकी के बचे हुए सोल्जरों को भी ख़त्म कर देते हैं। तभी हम देख पाए दूसरे सीन में वो सारे सोल्जर्स को ख़त्म करके जब माइम के पास आता है जो माइम है उनसे अपना जो गोल्ड कॉइन है उसे डिमांड करता है। तभी हम देख पाते जो एरोन है उसे वो दे देता है। तभी जो एरोन है वो माइम से कह रहे होते मैंने तुमको कहीं पर देखा था, अब मुझे याद आया मैंने तुमको 50 साल पहले देखा था आर्मी में। तभी हम देख पाते हैं जो माइम था उससे कह रहा होता सही कहा तुमने मुझे सही पहचाना, लेकिन अगर तुम 1000 ईयर भी ट्रेनिंग करो तो मुझे नहीं हरा सकते। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो राफेल था और उसके जो सिस्टर थे दोनों बातें कर रहे होते और कह रहे होते आखिरकार हमें जो फिलोसोफर स्टोन है वो मिल चुका है, अब इमोर्टेलिटी ज़्यादा दूर नहीं है ब्रदर। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो उनके पास जो उसका बटलर आता है कहता है जो हाडोसामा है उसका हमें बॉडी मिला है और वो अब नहीं रहे। ये सुनने के बाद जो
राफेल था बहुत ही शौकदार, कहते हैं हाडो को किसने मारा। हम देख पाते हैं जो उसका बटलर था वो कह रहा होता है जो हाडो सामा है उनको किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा, हमें लगता है जो उनको किसी वॉरियर ने मारा है। ये सुनने के बाद जो राफेल तो कह रहा होता है जरूर ये जो कॉप्स है उसी ने मारा, लेकिन ये कॉप्स हो कौन सकता है। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो भी खत्म होता है।